हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाजिया कनेक्ट्स। और आज बहुत स्पेशल दिन है, एक्चुअली स्पेशल नहीं, डिफरेंट कहना चाहिए, क्योंकि आज हम 2.5 मंथ्स के बाद बाहर जा रहे हैं। तो तैयारी हो चुकी है बाहर जाने की। एंड हियर गोज द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन माय बैग। मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ ये मास्क लगा के। मैंने पहली बार मास्क लगाया, इनफैक्ट पहली बार बाहर भी जा रही हूँ, मगर मुझे बिल्कुल अनकम्फर्टेबल लग रहा है। बट नो ऑप्शन, सो लेट्स गो। एंड ज़िया इज ऑल्सो गेटिंग रेडी। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, रोज़े भी चल रहे हैं, इतने दिनों के बाद हम बाहर भी जा रहे हैं, तो आई डोंट नो कैसा रहेगा सब कुछ। होपफुली अच्छा एक्सपीरियंस रहे। और कहाँ जा रहे हैं, क्या प्लान है, व्हाट वॉज द नेसेसिटी, ये मैं आगे आपको बताती हूँ। बट उससे पहले लुक एट दिस, गाड़ी इतनी गंदी हो चुकी थी क्योंकि 2.5 मंथ से तो निकली नहीं है। और ये देखिए कितनी ज़्यादा डस्ट और पता नहीं क्या क्या आ गया था। बट वी हैड नो अदर ऑप्शन, हमें जाना था, हमने सोचा चलो अब ऐसे ही चलते हैं। ओके, सो जस्ट टू गिव यू अ लिटिल बैकग्राउंड कि हमने यहाँ पे कैसे फॉलो किया लॉकडाउन, सेल्फ क्वारंटीन, सेल्फ आइसोलेशन, जो भी आप कह लें, ये पूरी सिचुएशन में हमने क्या किया, तो मैं आपको बताती हूँ। तो हम बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकले। लास्ट हम मार्च के स्टार्टिंग में एक बार बाहर गए थे, उस वक्त सिचुएशन ख़राब नहीं थी, कोई अलर्ट नहीं था, कोई वार्निंग नहीं थी, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, तब हम बाहर गए थे। उसके बाद ना हम बाहर गए, ना हमने कोई रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर किया, वी स्टेड इनसाइड, वी एट होम कुक्ड फूड। और हमने जो भी ग्रॉसरीज एसेंशियल्स थी वो डिलीवर करवाई, जो भी एप्स थे उनके थ्रू, या फिर जो स्टोर्स होम डिलीवरी दे रहे थे। सो थैंक यू टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने हमारी इतनी मदद की सेंशंस डिलीवर करने में, और भी बहुत सारी जगह पे जो लोगों की मदद कर रहे हैं। सो थैंक यू टू एवरीवन। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट यूएस, तो यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा केसेस हुए, बहुत लोगों की डेथ हुई, बहुत लोग परेशान हुए। बट इस सिचुएशन में भी ये कंट्री कम्प्लीटली लॉकडाउन कभी नहीं हुई, इट वॉज नॉट कि सब कुछ बंद हो चुका था। वी वर एडवाइज टू स्टे होम, बट स्टिल देर वर सर्विसेज दैट वर ओपन, चीज़ें खुली हुई थी, और अगर आप चाहें तो आप जा सकते थे प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ। अब तो यहाँ पे ऐसा है कि चीज़ें खुल चुकी हैं, एवरीथिंग इज़ कमिंग बैक टू नॉर्मल, चीज़ें खुल रही हैं, बट दैट डजेंट मीन कि वायरस एलिमिनेट हो गया है या स्प्रेड बंद हो चुका है। अभी भी केसेस आ रहे हैं, अभी भी लोग हॉस्पिटल में हैं, तो चीज़ें कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई हैं। बट ऑफकोर्स बहुत सारे रीजन्स की वजह से चीज़ों को नॉर्मल करना भी ज़रूरी था। सो वी आर स्टिल प्रैक्टिसिंग द सेम सोशल डिस्टेंसिंग एंड स्टेइंग इनसाइड। आज बस हम बाहर निकले हैं, वो भी हम आए हैं वॉलमार्ट, एंड दैट ऑल्सो वी आर नॉट गोइंग टू स्टेप इन द स्टोर, वी आर टेकिंग अ पिकअप, जिसमें वो हमारे गाड़ी के ट्रंक में सामान डाल देंगे। देर विल बी नो कॉन्टैक्ट, किसी भी इंसान से कोई ह्यूमन कॉन्टैक्ट नहीं होगा, आपको किसी से बात नहीं करना है, बस आपने पार्क करना है और आपकी ट्रंक में वो सामान डाल देंगे। ईद की ग्रॉसरी करनी थी इसलिए आना ज़रूरी था आज। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं इंडियन स्टोर से भी लेती हूँ, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, वो चीज़ें मैं घर पे डिलीवर कराऊँगी। आगे व्लॉग्स में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या चीज़ें ईद के लिए मैंने ली है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं वॉलमार्ट और अब हम जा रहे हैं पिकअप एरिया में। और यहाँ आके हमने देखा कि सारे पार्किंग स्लॉट्स फुल थे और पिकअप लेने के लिए एक बहुत लंबी सी लाइन लगी हुई थी। और पहले भी हमने पिकअप लिया है रेगुलर डेज में, और ये बस आप आओ और 5 मिनट में पिकअप मिल जाता है। बट आई थिंक एवरीबडी इज़ प्रेफरिंग नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी दिस टाइम। तो बहुत लंबी सी लाइन थी, तो अब हम इंतज़ार करते हैं क्यू में। वैसे पिकअप का प्रोसेस इज़ वेरी इजी, आप पार्किंग स्लॉट में जाओ और फिर चेक इन करके अपना पार्किंग स्लॉट नंबर उन्हें दो और वो आके आपके ट्रक में सामान डाल देते हैं। बट आज इतना क्राउड था कि हमें अराउंड 1.5 आवर लग गया पूरे प्रोसेस में, क्योंकि पहले पार्किंग स्लॉट नहीं मिला और उसके बाद सामान मिलने में भी देर हुई। और जो लोग एसेंशियल सर्विसेज में अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं, पिकअप में या डिलीवरी में या इस तरह की और भी किसी तरह की सर्विसेज में, तो वो बहुत ओवरलोडेड है काम से। तो अगर देर हो जाती है या आपको आपके पसंद के हिसाब की चीज़ें नहीं मिल पा रही है, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और पेशेंस दिखाना चाहिए, ना कि हम शोर शराबा करें या इशू क्रिएट करें। नाउ वी आर वेटिंग टू गेट आवर ग्रॉसरीज, और अब हमने पिकअप ले लिया और अब हम जा रहे हैं घर, और घर जाके करना है इन सारे सामान को सैनिटाइज, और वो मुझे बहुत बड़ा हेडेक लगता है। तो चलिए पहले घर चलते हैं, फिर करेंगे सैनिटाइज। सामान मैंने यहाँ रख दिया और अब पहले मैं खुद चेंज कर लूँगी, सैनिटाइज कर लूँगी अपने हाथों को, उसके बाद मैं इसे टच करूँगी। ओके, सो नाउ आई एम ऑल फ्रेशन अप, तो अब करते हैं ये काम।
तो जो ऐसी चीज़ें हैं जो पैकेट्स में हैं या जिनको हम पानी से नहीं धो सकते हैं, उन्हें मैं इस तरह के सैनिटाइजिंग वाइप से साफ़ करूँगी, और जो फ्रेश फ्रूट्स और वेजीज हैं उन्हें मैं पानी में डाल के छोड़ दूँगी और इस तरह से उन्हें साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं क्लीन करने लगी हूँ एग बॉक्स और मिल्क का डब्बा, इस तरह की जो चीज़ें जो मुझे डायरेक्टली अब फ्रिज में रखनी है। और हम दोनों मिलके ये काम करते हैं, तो एक सारी चीज़ों को सैनिटाइज करते हैं और दूसरा उसे उठा के फ्रिज या टेबल पे रखते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे अभी सैनिटाइज कर रही हूँ, सो ज़िया इज़ हेल्पिंग मी टू कीप ऑल द स्टफ़ इन द फ्रिज और टेबल। और थोड़ी सी मस्ती भी चल रही है, मैंने लाया था गोभी और मैं ज़िया को कह रही थी कि मैं आपको रोज़ की जगह गोभी का फूल गिफ्ट करूँगी। तो अब ये यहाँ से सब चीज़ें हमने हटा दी हैं, क्लीन कर लिया है, और अब आ जाते हैं फ्रेश फ्रूट्स और वेजीज की तरफ। तो मैं इस तरह से पानी में इन्हें डाल दूंगी कुछ देर के लिए, उसके बाद पानी ड्रेन करके अच्छे से इन्हें पोंछ के फिर उसके बाद फ्रिज में रखूंगी। तो ये एक एक्स्ट्रा काम आजकल सभी का बढ़ गया है, चीज़ों को सैनिटाइज करना, साफ सफाई करना और फिर उन्हें अच्छे से स्टोर करना। बट क्या कर सकते हैं, इस तरह की सिचुएशन में करना भी ज़रूरी है। और अब बात करते हैं ईद की प्रेपरेशन की। तो ईद पे इस बार ऐसा है कि हम किसी से मिल नहीं सकते, ईद की नमाज़ नहीं हो रही है, कहीं जाना नहीं है, कोई हमारे घर नहीं आएगा। बट ईद हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, इसलिए उसे इंजॉय भी करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने प्लान किया है कि घर में ही रहेंगे, बस लोगों से बात कर लेंगे फ़ोन पे, वीडियो कॉल के ज़रिए, और फिर अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे और ईद को इंजॉय करेंगे। तो ईद के हवाले से कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी जो कि सिर्फ देसी स्टोर्स पे ही मिलती हैं, तो वो भी मैंने ऑर्डर कर दिया था एंड वो स्टोर घर पे डिलीवर कर देता है, तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। सो ये क्लिप है नेक्स्ट डे की, और यहाँ पे आ चुका है सामान जो मैंने ऑर्डर किया था देसी स्टोर से। और यहाँ से मैंने मंगाया है मसाले, फ्रेश प्रोड्यूस और चिकन वगैरह। तो इसे क्लीन करने से पहले मैं यहाँ पे एक टेबल क्लॉथ डाल रही हूँ ज़मीन पे और उसके ऊपर चीज़ें रखूँगी, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी लीक करने वाली होती हैं। तो सबसे पहले मैं वो चीज़ें निकाल लेती हूँ जो पैकेट्स में हैं, जैसे कि मसाला और बिस्किट्स वगैरह। एक्चुअली एक कार्टन में थोड़ा पानी लीक भी कर गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें फ्रेश प्रोड्यूस था, उसकी वजह से। आई वाज सो टायर्ड डूइंग ऑल दिस, क्योंकि एक दिन पहले भी बहुत सारा इस तरह का काम हो गया था, और आज मैंने चिकन भी मंगाया, तो चिकन को मुझे फिर अरेंज करके फ्रीज़र में रखना है, तो वो भी एक बड़ा काम हो जाता है। तो जो चीज़ें मैंने मंगाई है वो है जिंजर गार्लिक पेस्ट, रस, कुछ मसाले, कुछ ड्राई स्पाइसेस। इसके अलावा इसमें है सब्जियां, प्याज और चिकन। तो मैं सब चीज़ों को अरेंज कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये रही ईद की ग्रॉसरी, चिकन, मटन, कीमा, मसाले, बिस्किट्स, इमली, साबुत ज़ीरा, साबुत धनिया, ये तो एक्चुअली जनरल चीज़ें ही हो जाती हैं। इसके अलावा मैंने मंगाया है प्याज, धनिया पत्ती, पुदीना, हरी मिर्च। तो ये रही सारी ग्रॉसरी। चिकन और मीट वगैरह मैंने ज़्यादा मंगाया है, क्योंकि इसे मैं एक बार मंगा के फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ, तो मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं इन्हें फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ। तो ये देखिए, मैं इस तरह के छोटे छोटे पैकेट्स बना लेती हूँ और इन्हें लेबल कर देती हूँ, ताकि मुझे इन्हें यूज़ करना आसान हो जाए। यहाँ पे मैंने बना लिया कीमे के लेग क्वार्टर्स, टिक्के और फिर बोनलेस जो कबाब्स वगैरह बनाती हूँ उनके लिए पैकेट्स। इसी तरह से मैं चिकन जो बोन वाला आता है, जिसे हम सालन बनाते हैं, उसके भी पैकेट्स बना लेती हूँ। जितनी मुझे रिक्वायरमेंट होती है मैं उसी हिसाब के पैकेट्स बना लेती हूँ। हमारी फैमिली छोटी है तो हम कम क्वान्टिटी में चीज़ें बनाते हैं, तो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से मैं इस तरह से पैकेट्स बना लेती हूँ। और कुछ लेबल करना होता है तो वो भी कर देती हूँ, इससे इन्हें निकालना आसान हो जाता है। मुझे पसंद है कि फ्रीज़र में जो भी चीज़ें रखी जाए वो ईजिली समझ में आए कि क्या है और कितने पैकेट है, तो इस तरह से जब उन्हें लेबल कर दिया जाता है तो इनको निकालना भी आसान होता है और पता भी रहता है कि मेरे पास क्या कितनी क्वांटिटी में है। और एक तरह की चीज़ें मैं एक साथ रखती हूँ, जैसे एक तरफ मैंने कीमा रखा, दूसरी तरफ ये टिक्के और लेग क्वार्टर्स रख दिया है, क्योंकि जब एक बार चीज़ें फ्रीज हो जाती हैं तो उन्हें पहचानना मुश्किल होता है, तो लेबल करके मुझे बहुत आसानी हो जाती है काम में। इसी तरह से जो रेगुलर बोन वाले चिकन होते हैं, मैं उनके भी पैकेट स्टोर कर लूँगी। तो बस ये थी मेरी ईद की ग्रॉसरी, थोड़ी सी तैयारी। आप मुझे बताएं कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। अगर ये व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।